अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गर्म करो। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। अगर माँ बाप से बड़ी कोई मोहब्बत मिली तो मुझे जिंदा दफना देना। कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा है पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। और बता तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? महेश, रमेश, सुरेश। अरे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सच में नहीं है यार। चल भाग यहाँ से। वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। वो हर बार तुम्हें अपनाएंगे चाहे तुम हर बार उन्हें ठुकरा देना। अगर माँ बाप से बड़ी कोई मोहब्बत मिली तो मुझे जिंदा दफना देना। For fun, if you wanna have fun, get a hobby. If you wanna have fun, hike Badger Mountain. If you wanna have fun, get swimming lessons. You don't use another person's heart for fun. यार ये बताओ तुम लड़कियाँ विदाई के समय इतना रोती क्यों हो? पागल, अगर तुझे पता चले कि कोई तुझे अपने घर से दूर ले जाके बर्तन मजवाने वाला है तो तू क्या नाचेगा? मेरे को यहाँ वोट डालने के बाद और भी जगह वोट डालने जाना है। हेलो, आप एक ही बार वोट डाल सकती हैं। ऐसा किसने कहा? सरकार ने। कौन सरकार? अरे तुम जिसको वोट देके बनाओगी। अच्छा, जिसको हम बनाएंगे हम पे हुक्म चलाएगी। माँ की यहाँ कैसी सरकार की? एक्सक्यूज मी। यस। हाय, आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? भाई मैंने आपको कहीं देखा है? अरे देखा होगा, शायद मैंने आपको टिकटॉक पे देखा है। हमें तुमसे प्यार कितना। आप वही हो ना जिसकी 5 से ज्यादा लाइक नहीं आते? हेलो, रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, oh my darling I love you, what do you say? Long ride pe chal chal, kutte do chute padenge na seedha. Tune banane ke liye dabaye 7. Dialogue dobara sunna chahte hain to dabaiye 4. Bolna. एक्सक्यूज मी, आप यहाँ फोन नहीं कर सकते। मैंने फोन किया नहीं है, आया है। मेरा मतलब है कि फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं बात नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। ए सिर्फ तू बोल। डॉक्टर होके साड़ियाँ बेचते हो? हाँ, साड़ियाँ होके डॉक्टर तो नहीं बेच रहे ना? ये क्या मतलब है यार? कमाल है, सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होके किडनी नहीं बेच सकते, अब कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते तो हम मर जाए क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाना है। अरे समझो यार, कभी कभी तो बुलाती है उसमें भी जाने का नहीं। साला शायरी उल्टा होना चाहिए, बुलाती नहीं मगर जाने का है। बुलाती नहीं मगर जाने का है। जाने का नहीं, बुलाती है जाना है। नहीं बड़े। हाँ, तुम कब बहू मिल गए? छोटे, तुम्हें भाभी मिल गई। कौन? माधुरी। पागल होगा, माधुरी तुम्हारी बहू बनेगी। माधुरी तुम्हारी भाभी बनेगी। बहू भाभी तुम्हारे मार लो, लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। मेरे को फिर शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए? मार खाने में कैसी शर्म भाई। आए मैं डॉक्टर, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, एटीट्यूड की स्पेलिंग बता दो। अरे एटीट्यूड नहीं, इगो इगो। आपको पता है मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। आपको पता है मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। उसे ना मान ले, तेरे पास 10 लड्डू है। नहीं, क्यों मानूं? तुमने मुझे एक ही नहीं दिया। अरे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जा रहा है? ठीक है, उसमें से तूने मुझे 5 वापस दिए, बता कितने बचे? 20। वो कैसे? मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैंने आपसे कहा था 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। बेटे मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे को सीटी बुझानी नहीं आती। देख बेटे। अरे कुकर की सीटी होती है वो, मैंने फेंक दी। घर में जवान बेटी है, कुकर की सीटी बजेगी अच्छा लगेगा। मैंने आपका नंबर टाइप करके ना आपके पैसे निकाल लेने।
क्या निकाल लोगे? आपको पता है नया चीज आ गई मशीन में, क्या मैं यहाँ से टाइप करके आपकी पैंट भी उतार सकता हूँ? तो फिर राजा करो मेरे बाथरूम 9 बजे सवेरे। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। वाह, जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कने बोलती हैं, धड़कने बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं। वाह वाह, और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर। लगता ही डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। अब ऐसा अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो हंस क्यों रहे फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है लेकिन है तो मजेदार। मैंने अपना टांग नीचे कर लो, पैंट फटी हुई है। तो फिर तुझे उसमें ही क्यों देखना है जहाँ फटी हुई है? मुझे आपसे शिकायत है। किस बात की? पूछो क्यों? हाँ। नहीं पूछना। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरे माँ बाप भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं पैदा हो गया क्योंकि मैं तैयार था। ओके? मैं नहीं परवाह करता किसी की।